मैं और भैया जा रहे हैं करोल बाग, उसे लिया है, टाइम ही नहीं मिल पाया आज तक सर्विस करवाने का। इंडिकेटर ले लिए हैं, अभी मिरर देखने हैं, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। भाई हेलमेट मेरा कहाँ गया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम सब बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग के करते हैं शुरुआत। अभी मैं और भैया जा रहे हैं करोल बाग, आज बाइक की सर्विस करवानी है। और अभी दुकान वाले के पास गए थे, अभी इनकी जानकारी है तो उन्होंने कहा है सामान लिख कर के दिया है, तो करोल बाग में सस्ता मिल जाता है, हर प्रकार का मिल जाता है। तो अभी वहीं से चलते हैं, तो जो भी इसका सामान है सारा ले आते हैं, फिर इसकी सर्विस करवाते हैं। सर्विस करवानी बहुत ज़रूरी है, जब से लिया है टाइम ही नहीं मिल पाया आज तक सर्विस करवाने का। अभी भी घर से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हेलमेट लगा लेते हैं। रिंग रोड पे हम पहुंच चुके हैं, तो अभी पहुंचते हैं करोल बाग में। इतना ज़्यादा जहां पर ट्रैफिक होता है पता सभी को है, और सभी ने एसी चला रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस कारण से छींकें मुझे ज़्यादा आती हैं। तो रात पूरी मैं चीखता रहा, जब गर्मी लग जाती है ना ज़्यादा मुझे, तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। अभी देखिए ये हालात है रिंग रोड के। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पहाड़गंज में, जी देख सकते हैं सारे होटल हैं यहाँ पर। गाइज अभी हम करोल बाग में पहुंच चुके हैं, इंडिकेटर ले लिए हैं, अभी मिरर देखने हैं, छोटे छोटे इसके साथ में लेते हैं। ये मार्केट है तो अच्छा सस्ता बढ़िया सामान जहाँ पर मिल गया हमें, बाकी और देखते हैं सामान। अभी सामान सारा ले लिया है बाइक का, जो भी था मिरर ले लिए हैं, और इसके जो क्लच कुछ थे वो भी सारा, ब्रेक भी ले लिया, इसके ब्रेक शूज़ पीछे वाले डलवाने वाले थे, कुछ तो मैंने इस प्रकार चलाया कि सारा ख़राब कर दिया। अभी इसके मिरर भी ले लिए हैं, इंडिकेटर भी ले लिए हैं, अब जा रहे हम घर की तरफ। भाई हेलमेट मेरा कहाँ गया? इस अभी एक और दिक्कत आ गई है, हेलमेट मैं भूल गया हूँ दुकान पर, पता नहीं कौन सी दुकान पर है, इतना बढ़िया था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, बट अभी पता नहीं कौन सी गली है भाई, 23 नंबर गली है शायद। अरे दिक्कत आ गई भाई, वैसे दुकान वाला तो वही पड़ा होता है, बट 3-4 दुकानों पे गए हैं ना, जा क्या हूँ मैं। गाइस अभी हमें हेलमेट मिल गया है, और 3-4 दुकानों पे घूमे थे, सभी जगह पता किया, एक दुकान पे रह गया था और उन्होंने संभाल के रखा था, कहते ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, कि ऐसे वैसे दुकानदार जहाँ कोई चीज़ रह जाए संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मुड़ के फिर वहीं वापस आएँगे। चलो जो है कि मिल गया हमें, मुझे बहुत प्यारा हेलमेट ये लगता है, तो अभी चलते हैं यहीं से घर की तरफ। सो गाइस ये देखिए कितनी भव्य कितनी प्यारी मूर्ति है, बहुत ऊंची ये मूर्ति है, आएंगे इस मंदिर में भी आएंगे जल्दी बहुत। उस दिन मैंने सोचा था कि जहाँ पर आते हैं हनुमान जयंती पर, लेकिन आ नहीं पाए। यहीं से भाई मैंने प्रदूषण करवाया था, जहाँ से मैंने हेलमेट लिए थे। गाइस आप भी जहाँ से हेलमेट ले सकते हैं, बहुत दुकानें हैं। ये आ गया गाइस झंडे वाला मेट्रो स्टेशन, तो इससे हम सीधा ही जाएंगे आगे। अभी मोनू भाई बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठ रहा हूँ। ये देखिए गाइस इस प्रकार का भाई बड़ा मेरे पास भी है जलंधर में, सच में है भाई। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और हमें मार्केट में तकरीबन टाइम लग गया, शाम के 4 बजे बज चुके हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसके बाद पुरानी दिल्ली भी गए, भाई ने टायर लेना था, वहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन इन्होंने फ़ोन किया तो घर के पास ही मिल जाएगा। सो अभी जा रहे हैं घर, तकरीबन घर पहुँचते 4:30 के आसपास टाइम हो जाएगा, उसके बाद रेस्ट करूँगा। सुबह का कुछ खाना भी नहीं खाया, टाइम भी नहीं पाया कि रात में कुछ खा भी सके। अभी जल्दी से चलते हैं गाइस घर की तरफ। गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अभी जहाँ पर छोले कुलचे खाए हैं, मम्मी पापा के लिए एक प्लेट मैंने पैक करवाई है, टेस्ट करवाते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगे इसलिए पैक करवाए। हाँ जी क्या रह गया? अच्छा जी उसमें पन्नी तोड़ दिया ना आपने, पन्नी टूट गई, काफ़ी टाइम लग गया भाई, थक गया होगा ना, इसमें डाल दूँ? कोना पकड़ो। ले भाई पकड़ लिया। डाल दे दूसरा हाथ भी यूज कर लो, दूसरा हाथ में जे है ना मोबाइल पकड़ा हुआ है ना। अच्छा ये देखा ही नहीं मैंने।
अभी मैंने इसके बाद INA भी निकलना है। अभी मैं घर पहुंचा हूं, टाइम हो चुका है 5:15, पूरी तरह से थक चुका हूं, पूरी हालत है। और देख रहा था मियाँ के लिए जे छोले कुलचे बहुत टेस्टी लगे, तो ये सामान मैं लेकर के आ गया हूं घर पे ही। तो कल जा कर के सुबह सुबह बाइक की पूरी सर्विस करवा लेंगे, सारा दिन इतना टाइम लग गया, ट्रैफिक जाम होने के कारण बुरी हालत हो जाती है। सामान लेने को इतना टाइम लग गया, मेरा ट्रैफिक इतना जाम था, बुरी हालत थी। अच्छा। तकरीबन इतना सामान लेने में तो 40-50 मिनट लगे, रोड पे इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम, जो 15 मिनट का रास्ता उसमें लग रहे हैं 2.5 घंटे। अच्छा, ये हिसाब बताओ। अभी थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं, अभी चाय भी बन करके आ चुकी है। जे निकले अंकुर? हाँ। अच्छा, ए मूंग दाल में भी निकले हैं? हाँ, बढ़िया है ना। वो चने हैं ये सर रखे हुए, इसको उबाल के रख लेती हूं ना। तो मूंग दाल को इसको जरा सा सेक लगाएंगे ना। हाँ, तो अभी चाय पीते हैं। अभी कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ INA में, उसको ना जे लेस देकर आनी है। क्या है जे वाली है गोल्डन कलर की, इन्हीं चक्करों में हम लगे रहते हैं। अभी कर दो इसको पैक, बंद कर दो। मम्मी ने सिर में मेहंदी मुंदी लगानी है और पापा के भी लगानी है, मैं जाके आता हूँ। चलो ठीक है अम्मी। हाँ, ओके पैरी बने। ठीक। अभी मैं पहुँच चुका हूँ INA में, बस अभी सीधा चलते हैं शॉप पर। तो जे मार्केट है उस तरफ, हमने सीधा जाना है। अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कोई अपने लिए टी शर्ट देख लूँ, बाकी टाइम मिला तो देखते हैं। सभी दर्जे को जो लैस वूस देनी थी वो दे दी है, ये काम पूरा हो गया कंप्लीट। और अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ, पूरा थक चुका हूँ। अभी भाई साहब मेरी तरफ देख रहे हैं एक कि पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो अभी घर चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना पीना खाते हैं। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, अभी मम्मी खाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर खीरा चीर रहे हैं, आटा गूंद के रखा हुआ है, और खाने में सब्जी है आलू मटर की। जे क्या बनाए? चने। अच्छा, जो काले चने थे। सो गाइस अभी खाना खाते हैं, सुबह जा करके सबसे पहले बाइक की सर्विस करवानी है। इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।